अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची कढ़ाई। तो ये सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने लिए है चिकन, हाफ के जी लिया है चिकन मैंने, और बोनलेस है ये। छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं मैंने, और एक प्याली मैंने टमाटो पेस्ट लिया है। ये पहले मैंने बॉईल कर लिए थे और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। 4 चम्मच मैंने दही के लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मैंने काट ली हैं बारीक बारीक, और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें साबुत ली हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 4 चम्मच मैंने क्रीम के लिए हैं, ये मैंने लिए है कुटी मिर्च 1 टेबल 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है, कसूरी मेथी सूखी हुई, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्चें पिसी हुई, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया कढ़ाई गोश्त का मसाला। कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं डालेंगे, वक्फे वक्फे से डालेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी है, आपको पता लगेगा कि मैंने कब कब कौन कौन सा मसाला डाला है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, और चिकन हम कढ़ाई में डालेंगे। अब हमने कढ़ाई लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं इसमें चिकन डालने जा रही हूँ। चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है, 2 से 3 मिनट हम चिकन फ्राई करेंगे ऐसे ही। ये हमारा चिकन फ्राई होगा, तो सबसे पहले मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। चिकन हमारा फ्राई हो गया, अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल ऐड कर दूंगी इसमें। दो से तीन मिनट हम इसको भूनेंगे। इसके बाद हम टमाटर का जो पेस्ट मैंने बॉईल करके ग्राइंड करके रखा है टमाटो प्यूरी वो डालूंगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रही हूँ मैं, और आप बनाएंगे लोग बहुत पसंद करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसको भूनते, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने 1.5 प्याली टमाटर ऐड कर दिए इसमें, टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। अब 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। कुछ मसाले अभी हमने इसमें शामिल नहीं किए, वो थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कब कौन सा मसाला ऐड किया है। चार से पाँच मिनट इसको भूनते रहे ऐसे ही, और जब मसाला ऑयल ऊपर आने लगे तो फिर इसमें दही ऐड करनी है, और जो बाकी के मसाले मैंने रखे थे वो ऐड करने हैं। देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है,
और इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड करने जा रही हूँ, तो वीडियो पूरी देखा करें, कोई पॉइंट मिस ना हो सके। तो मैंने दही ऐड कर दिया, और जो ये बाकी के मसाले थे आपको बताया है कि क्या क्या मसाले, ये सब मैं ऐड कर दूँगी। इसको 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, फिर हम क्रीम ऐड करेंगे। मसाले कम बढ़ती आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, क्योंकि बाज़ लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो वो मिर्चें ज़्यादा ले सकते हैं। नमक हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करें, कुछ लोग लाइट खाते हैं कुछ तेज़ खाते हैं। जब मसाले पे ऑयल ऊपर आता है तो उससे पता लग जाता है कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लोची कढ़ाई हमारी तैयार होने वाली है। 1 से 2 मिनट और भुनेंगे बस इसको हम, और ये तैयार हो जाएगी। ये देखें भुनने वाली है, और ये भूनकर तैयार हो जाएगी 1 से 2 मिनट में। फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, जो मैंने 6 से 7 चम्मच ऑलपर की क्रीम लेकर रखी है वो ऐड करनी है इसमें। आप चाहें कोई सी भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड कर ली और इसे 1 से 2 मिनट हम चलाएंगे ऐसे ही, और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। बिलोची कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, और अब हम इसको डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। ये हमने मक्खन इसमें ऐड कर दिया, ऊपर से डाल दिया, और हरा धनिया की गार्निश कर दी है, और बिलोची कढ़ाई हमारी मज़ेदार और लजीज रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।